हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृति पाठ के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके एमसीक्यू पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ संस्कृति। पहला प्रश्न है, संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? भदंत आनंद कौशलायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या मन्नू भंडारी? इसका सही ऑप्शन है भदंत आनंद कौशलायन। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? आविष्कार करने वाला, आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, नई खोज को देखने वाला या समाज का कल्याण करने वाला? इसका सही उत्तर होगा आविष्कार करने वाला। अगला प्रश्न, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बुद्धिमान, ज्ञानवान, सभ्य अथवा संस्कृत? सही उत्तर होगा इसका सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, जगदीश चंद्र बसु ने या राधा कृष्णन ने? इसका सही उत्तर है न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? शीतोष्ण से तात्पर्य सर्दी और उष्ण यानी गर्मी। तो सर्दी गर्मी से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? सुई धागे की, कंबल की, कृषि की अथवा मशीन की? उत्तर है इसका सुई धागे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्यक्तियों के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? उदारता की भावना, निस्वार्थ की भावना, जन कल्याण की भावना या वीरता की भावना? उत्तर है इसका जन कल्याण की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था? वस्त्र का, आग का, तलवार का अथवा सुई धागे का? बहुत ही सरल है, इसका सही उत्तर होगा आग का। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोतियों से भरी थाली को, चांद तारों को, तारों से भरे आकाश को अथवा घास पर चमकती हुई ओस की बूंदों को? सही उत्तर है इसका तारों से भरे आकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? भौतिक जीवन से, बाहरी जीवन से, सामाजिक जीवन से अथवा आंतरिक जीवन से? सही उत्तर है इसका भौतिक जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन अथवा सिद्धार्थ? सही ऑप्शन है इसका लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता? कार्ल मार्क्स का, जवाहरलाल नेहरू का, लेनिन अथवा अब्राहम लिंकन का? सही ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, सिख धर्म की अथवा बौद्ध धर्म की? सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का अथवा शिक्षा का? तो इसका सही ऑप्शन होगा संस्कृति का। अगला प्रश्न, लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? आलसी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, असुंदर व्यक्ति को अथवा मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को? इसका सही उत्तर है
मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। अगला प्रश्न, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? सभ्यता को, संस्कृति को, असंस्कृति को अथवा लालची प्रवृत्ति को। सही उत्तर है असंस्कृति को। अगला प्रश्न, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य, विभाज्य, स्थूल अथवा अस्थाई। इसका सही उत्तर होगा अविभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता? संस्कृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति अथवा 99 के फेर में पड़ा व्यक्ति। इसका सही ऑप्शन होगा संस्कृत व्यक्ति। अगला प्रश्न, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सहज संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता अथवा प्रतिष्ठा। इसका सही उत्तर है सभ्यता। अगला प्रश्न, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति। इसका सही उत्तर है नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? सोच के अनुसार, संस्कृति के, सिद्धांत के अथवा आवश्यकता के। इसका सही उत्तर है आवश्यकता के। ये सुना भी होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो मनुष्य आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है? ऑप्शंस देखिए, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, सीधे या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तो ये सभी शब्द साक्षात के सिमिलर है या पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, आत्मविनाश के साधन का आशय है क्रोध, द्वेष, लोभ अथवा हथियार। इसका सही उत्तर होगा हथियार। अगला प्रश्न, यथोचित सामासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीही समास अथवा अव्यवी भाव समास। तो इसका सही उत्तर होगा अव्यवी भाव समास। अब ये यहाँ अव्यवी भाव समास क्यों है? क्योंकि इसमें पहला पद उपसर्ग है। जिसमें पहला पद या पूर्व पद उपसर्ग हो वहां अव्यवी भाव समास होता है। और समास के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? परिवार को, मजदूरों को, समाज को या अपने आप को? उसका उत्तर होगा मजदूरों को। अगला प्रश्न, किसे लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं? सभ्यता को, आदर्श को, असभ्यता को अथवा असंस्कृति को? इसका सही उत्तर है सभ्यता। सभ्यता को लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का जनक कौन है? पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, तन ढकने वाला अथवा ज्ञान पैदा करने वाला? इसका सही उत्तर होगा ज्ञान पैदा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की छिछालेदर कब होती है? छिछालेदर से तात्पर्य दुर्दशा, फजीयत, दुर्गति। संस्कृति की दुर्गति कब होती है? ऑप्शंस है, किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, दूसरी जाति को हीन बताने पर, दूसरों को
मरने मारने के लिए तैयार हो जाने पर या सभी कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? आभूषण का, वस्त्र का, सुई धागे का अथवा आग का? सही उत्तर है इसका सुई धागे का। अगला प्रश्न, कौन रूस का भाग्य विधाता है? स्टालिन, लेनिन, चर्चिल या पुतिन? सही उत्तर होगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से अथवा विनाश से? इसका सही उत्तर है कल्याण भावना से। अगला प्रश्न, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव अथवा आदि मानव? सही ऑप्शन है इसका संस्कृत मानव, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी तो आविष्कारकर्ता को संस्कृत मानव कहा है। अगला प्रश्न, संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कर्ता कहते हैं? न्यूटन को, जगदीश चंद्र बोस को, होमी जहांगीर भाभा को या जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया? इसका सही उत्तर होगा कि जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह है असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति अथवा सभ्यता? सही ऑप्शन है इसका असंस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? समाज का विघटन, मनुष्य का विनाश, विनाशकारी परंपराएं या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर होगा इसका उपर्युक्त सभी, ये सभी असंस्कृति का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है वह दो शब्द कौन से हैं? सभ्यता और संस्कृति, असभ्यता और असंस्कृति, दोनों अ और ब या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द निठल्ला का पर्यायवाची है? बेकार, खाली बैठा हुआ, बिना काम धंधे का या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। इन तीनों का भी यही अर्थ है जो कि निठल्ला का अर्थ है। नेक्स्ट है, मनीषी किसे कहा गया है? वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को अथवा लेखक को? इसका उत्तर है चिंतनशील को। अगला प्रश्न, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? पेट की आग को शांत करने की, अंधेरा दूर भगाने की, सर्दी दूर करने की या जंगली जानवरों को भगाने की? इसका सही उत्तर होगा पेट की आग को शांत करने की। अगला प्रश्न, सभ्यता का क्या अर्थ है? सबके साथ प्यार से रहना, सबका आदर करना, आदर्शवादी बनकर रहना अथवा संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार तथा अपने एवं दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तुएं सभ्यता कहलाती है? इसका उत्तर होगा कि संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार और अपने एवं दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तुएं सभ्यताएं कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। हमारे वीडियोस को आप ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।